Okay, now we discuss the NCERT question from the how do organisms reproduce. The first question of NCERT, what is the importance of the DNA copying in reproduction? DNA ka copy hone ka kya importance hai reproduction mein? As we know ki DNA ek genetic material hota hai. अभी बताया जैसे जो एड्स के उसमें बताया कि डीएनए हम लोगों में एक जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जिसके जरिए हमारी जीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आती है. लाइक वो जो जीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो जीन्स हैं वो हमारे प्रेजेंट होती हैं डीएनए में ही. वो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, है ना. ये जीन्स हमारी कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है. दिस इज़ अ डीएनए. एंड डीएनए में जो जीन्स प्रेजेंट हैं यही जीन्स जो होती हैं वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाती है. तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द ऑल द ऑर्गेनिज्म. ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है. नाउ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कैरीड बाय द डीएनए. जो अभी हमने बताया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरीड होता है डीएनए के जरिए जनरेशन से जनरेशन. मतलब कहने का कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ आई एम अ पेरेंट, तो हमारी जो डीएनए है, हमारे डीएनए में जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स ही जो बच्चों में जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे. कैरेक्टर इन द सेंस कि कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं. कैरेक्टर्स कोई आराम ऐसे तो आ नहीं जाएंगे. कुछ ना कुछ माँ बाप से बच्चों में ऐसी चीज़ होंगी जिसके वजह से वो अपने मम्मी पापा के जैसे रिजेंबल करते होंगे. सो वॉट आर द थिंग्स दैट दे रिप्रेजेंट दैट दे रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स, दैट इज दिस जीन्स. ये जो जीन्स होती हैं जो डीएनए में पाई जाती है, यही जीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, तो ये जो डीएनए होते हैं लगातार रेप्लिकेट करते हैं. एंड रेप्लिकेट करने के बाद इनकी ये जो जीन्स होती हैं वो उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाती हैं. एंड इसीलिए जो भी बेबी होता है, जो भी उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, हमेशा हर बच्चे में चाहे स्ट्रक्चर पूरे बॉडी का एक कोई भी पार्ट अपने माँ बाप से मिले, लेकिन कोई ना कोई पार्ट वो जरूर रिजेंबल करता है, जो कि ये शो करता है कि दैट कि द जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स ओनली. ओके, फ्रॉम द पेरेंट्स इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि उसमें केवल एक अपने माँ बाप के कैरेक्टर्स आते हैं. वो कैरेक्टर्स उनके उनके अपने दादा दादी लाइक नाना नानी जो भी पैटर्नल और मैटर्नल ब्लड होते हैं, पापा के साइड के ब्लड, मम्मी के साइड के ब्लड के जो रिलेशंस होते हैं उनसे कहीं ना कहीं जो बेबी होता है उसके फीचर्स रिजेंबल करते हैं. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन. एंड दिस जीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट जीन इज प्रेजेंट इन द डीएनए. एंड कलेक्टिवली हम यही कहते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर ही ये जीन्स प्रेजेंट होती हैं. सो इट इज़ द देयरफॉर पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड. और इसी वजह से वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर हमारी जीन्स हमारे बच्चों में नहीं जाएगी तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो पर्टिकुलर जो बेबी है वो हमारा है. क्यों? क्योंकि हमारी जीन्स उसमें गई है. तो इस तरीके से वो हमारे जैसे ही एक इंडिविजुअल क्या होता है, डेवलप होता है. ओके, दिस इज नोन एज द डीएनए कॉपिंग फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट ऑफ द पेरेंट. डीएनए कॉपिंग इज अ मस्ट. अगर ट्रेट का इनहेरिटेंस, दिस इज अ बायोलॉजिकल टर्म. द टर्म विच इज़ यूज हियर इज अ बायोलॉजिकल टर्म, जिसको ही एक्चुअली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्वेश्चंस में जानते तो हैं, लेकिन हम उसका जो आंसर्स लिखते हैं वो एक इंग्लिश टर्म में लिखते हैं. बट वी नीड टू एक्सप्रेस दीज आंसर इन द बायोलॉजिकल फॉर्म. तो बायोलॉजिकली इसका मतलब है कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट का मतलब है कि अगर इनहेरिटेड मतलब कोई चीज़ ट्रांसमिट हो रही है, और ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर. दिस ट्रेट मीन्स अ कैरेक्टर. तो ये जो कैरेक्टर जो ट्रांसमिट हो रहा है ऑफ द पेरेंट डीएनए फ्रॉम द पेरेंट, मतलब वो जो कैरेक्टर जो ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए डीएनए का होना, डीएनए का कॉपिंग होना, डीएनए का एक से कई बनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब तक डीएनए एक से कई नहीं बनेंगे उनकी जीन्स भी हमारी इनहेरिटेड नहीं होंगी. सो डीएनए कॉपिंग ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट अ वेरिएशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज. और जब डीएनए कॉपिंग होती है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही जीन्स आगे की तरफ जा रही हैं,
नहीं, जब वो कॉपिंग होती हैं, जब रेप्लिकेशंस होती हैं, तो वो कई नंबर्स में डिवाइड होती हैं, लेकिन क्योंकि मम्मी और पापा दोनों के डीएनए मिल रहे होते हैं, तो उनके दोनों के जीन्स आने के वजह से एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव विच ब्रिंग्स द इवोल्यूशन और विच ब्रिंग्स द वेरिएशन. तो इसीलिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम अगर हमेशा देखें कि दो माँ और बाप से जो भी बेबी प्रोड्यूस होता है उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएशंस होते हैं. ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली वो मम्मी या कम्प्लीटली पापा, लेकिन उसमें अगर वो कम्प्लीटली लुकलाइज भी हो भी होगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वेरिएशन भी ऑब्जर्व होता है. सो दिस इज द वे थ्रू विच द वेरिएशंस आर प्रोड्यूस. एंड अगेन, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डी एन ए कॉपिंग इन अ इन अ रिप्रोडक्शन? क्या होता है डीएनए का कॉपिंग होने का मतलब है कि ट्रेट्स का इनहेरिटेंस होना, और जब ट्रेट इनहेरिटेंस होते हैं तो उससे दो बातें पता चलती हैं कि उस बेबी में जो जीन्स आएंगे वो अपने माँ बाप की आएंगे, एंड दूसरी बात है कि जब इस तरीके का जब कॉपिंग होती है तो इट ब्रिंग्स अ वेरिएशन इन द इंडिविजुअल एंड विच इज द इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. Why is the variation beneficial to the species but not necessary for the individual? कह रहे हैं कि variation क्यों beneficial होता है लेकिन जरूरी नहीं होता, मतलब variation का होना जरूरी नहीं है लेकिन हाँ वो इम्पोर्ट लाइक वो benefited है. क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे का reason ये होता है कि अगर हम एक बात सोचें कि क्यों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो एक अलग प्रोस्पेक्टिव क्यों हैं और क्यों हम दोनों को पढ़ रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एसेक्सुअल के केस में एक पेरेंट होता है और एक पेरेंट से जो उनका बेबी बनता है वो सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होता है एज देयर पेरेंट्स के जैसे. लेकिन अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो उसमें जो भी बेबी बनता है वो अपने माँ बाप के दोनों के फीचर्स लेके आता है और उन दोनों से ही अलग होता है, लाइक फीचर भी होते हैं और लुक वाइज भी वो अलग होता है, उनमें उसमें नेचर में भी दोनों का मिक्सअप आएगा. तो बट ऑब्वियसली बात है कि अगर हम कोई एक ऐसी चीज़ को हम अगर सिलेक्शन करने की बात होती है तो दोनों में से बेहतर कौन होगा जिसके अंदर वेरिएशन है? क्यों? क्योंकि उसके पास दो चीज़ों की मिक्सचर आया हुआ है. एंड बट ऑब्वियसली बात है कि मिक्सचर है तो वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को अडाप्ट करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा प्रोन लाइक ज़्यादा सही होगा एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल के केसेस में. सो द व्हाट इज द वेरिएशन? वेरिएशंस आर बेनिफिशियल टू द स्पीशीज देन द इंडिविजुअल, बिकॉज सम टाइम फॉर अ स्पीशीज द इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज. अब मान लें कि बैक्टीरिया है, उसका जो पेरेंट बैक्टीरिया था वो पर्टिकुलर उस इन्वायरमेंट में नहीं रह पा रहा, तो जब वो नहीं रह पा रहा तो उसकी जो इंडिविजुअल जो उससे पैदा हुआ है तो क्या वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? वो इसीलिए नहीं कर सकता, जब उसका पेरेंट नहीं कर रहा तो वो कैसे करे. लेकिन अगर हम ये सेक्सुअल के केस में बात करें तो अगर किसी चीज़ से पर्टिकुलर किसी चीज़ पे अगर पेरेंट का फादर अगर नहीं सर्वाइव कर पा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि मदर भी नहीं सर्वाइव कर पा रही है, लेकिन उस बेबी में दोनों के जीन्स हैं तो हो सकता है उसके पास वो जीन्स आई हो मदर की, वो अच्छी जीन्स आई हो जिसके जिससे वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर पाए. क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों ऑप्शंस हैं, तो उस ऑप्शन में अगर वो बेनिफिशियल जीन आ गई तो दे आर गुड फॉर द अडाप्टेशन. तो सिमिलरली कि फॉर द इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज सो ड्रास्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट इन द केस ऑफ द एसेक्सुअल. लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेस सडनली, अगर पानी का टेम्परेचर लगातार अचानक से बढ़ गया, देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन दैट वाटर वुड डाई. तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो बहुत से ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाई टेम्परेचर के प्रति नहीं सर्वाइव कर पाते. इसीलिए हम जब मिल्क को बॉयल करना क्यों प्रेफर करते, क्योंकि मिल्क को बॉयल करने के लिए जो भी उसमें अनडिजायरेबल जो भी माइक्रोब्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो किल हो जाते हैं. Only a few variants that are resistant to heat will be able to survive. लेकिन जो resistant होंगे वो केवल survive कर पाएंगे. However, these variants were not there, the entire species of the bacteria would have been destroyed. और अगर मान लें कि इस तरीके की bacteria की species ना होती, जिसके अंदर सारे bacteria ऐसे होते कि higher temperature में सब kill हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पूरे world में
कोई बैक्टीरिया ही नहीं बचते, टेम्परेचर ज़्यादा, सारे मर गए. क्यों? क्योंकि वेरिएंट्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं जिसके अंदर थर्मोफिलिक कैपेसिटी होती है, लाइक दे आर रेजिस्टेंट टू द थर्मोफिलिक, मतलब वो अपने आप को रोक सकते हैं हाई टेम्परेचर के प्रति, सो दे कैन सर्वाइव. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन, कि वेरिएशन हमारी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है. ओके, सो हाउ एवर ऑल द वेरिएशंस आर नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि सब में वेरिएशंस का होना जरूरी है, बट अगर है तो वो डेफिनेटली बेनिफिटेड ही होता है. नाउ हाउ डज द बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिशन, एज वी स्टडीड इन अ प्रीवियस लेक्चर दैट इन द बाइनरी फिशन अ सिंगल सेल डिवाइड इन टू, एक सिंगल सेल में दो में डिवाइड हो जाता है, इक्वली हाफ में डिवाइडेड होता है, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया डिवाइडेड बाय द बाइनरी फिशन. मल्टीपल फिशन में एक सिंगल सेल डिवाइड होती है इनटू मैनी डॉटर सेल्स में, वो एक से कई, बताया था कि एक बॉडी के अंदर सिस्ट बनता है और उसमें एक से कई ढेर सारा डिवीजन हो जाता है. सो बाइनरी दैट मीन टू, मल्टीपल मीन्स मैनी. तो जो ऑर्गेनिजम्स में एक से दो बनते हैं दैट इज द बाइनरी, और जिस ऑर्गेनिज्म एक से कई बनते हैं दैट इज नोन एज द मल्टीपल फिशन. Next is, how will an organism be benefited if it reproduces through the spores? क्या benefited होता organism को अगर वो spores के जरिए reproduction करते, then what will be the benefited? Advantage of spore formation that large number of spores are produced in one sporangium. क्यों? क्योंकि अब जैसे baby है तो एक worm में खूब ढेर सारे तो नहीं बन सकते, लेकिन sporangium है, स्पोरेंजियम में खूब ढेर सारे नंबर ऑफ स्पोर्स एक ही स्पोरेंजियम में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं. और जितने स्पोर्स होंगे सबको अगर फेवरेबल कंडीशन होगी, सब एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर सकते हैं. सो स्पोर के फॉर्मेशन का एडवांटेज क्या है, कि कई ढेर सारे स्पोर एक सिंगल जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, और जो जगह जहाँ पे सर्वाइव करते हैं दैट इज नोन एज अ स्पोरेंजियम. ओके, स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजली बाय द एयर. दूसरी बात है कि क्योंकि स्पोर्स तो अपने आप को रेजिस्टेंट रखता है, लेकिन जब उसको, जब वो स्प्रेड होता है और फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो ग्रो करता है. तो इसलिए क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं, सो दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्टेंट प्लेसेस. स्पोर्स आर कन्वर्टेड बाय द थिक वॉल टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन. और अपने आप को बचाने के लिए इस स्पोर के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को एक हार्ड वॉल से कवर करता है, एंड व्हेन दे गेट द फेवल देन ओनली देयर सिस्ट वॉल गेट ब्रेकअप एंड दे अंडरगो जर्मिनेट. नाउ कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू द रीजनरेशन? क्यों मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, क्यों नहीं देते हैं थ्रू द रीजनरेशन के जरिए? Higher complex organism cannot give rise to the new individual through the regeneration because complex organism के पास regeneration ही क्यों करेगा? क्योंकि complex है, इसका मतलब उसके पास organ system है. That it having organ system level of organization, all the organ system what they work together as an interconnected unit. They can regenerate their lost body parts such as the skin, muscle, blood, etc. However, they cannot give rise to new individual through regeneration. रीजनरेशन तो वो करेगा ना जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता. लाइक अगर हम ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो हम रीजनरेट, हमारा कोई पार्ट है वो टूट के क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी रीजनरेट करने के लिए अगर मसल्स है कहीं लगी तो वो वापस से रीजनरेट कर सकती है. लेकिन हम लाइक अ प्लेनेरिया उनके जैसे रीजनरेट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हमारे अंदर रीजनरेशन के थ्रू ग्रो करने की कैपेसिटी उतनी नहीं होती. Why is vegetative propagation practice for growing some type of plant? क्यों use किया जाता है vegetative propagation को? क्योंकि vegetative को use करना एक easy practice होता है. कैसे? It is used to grow a plant in which the viable seeds are not formed. ये हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, जिनमें seeds नहीं बनती उनके parts को हम cut करके, उनके plant के parts को हम cut करके प्रोपोगेट करा सकते हैं. तो सीड नहीं बन रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे की तरफ ग्रो नहीं कर सकता. वो ग्रो कर सकता है अपने वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके. तो सिमिलरली यही पॉइंट को बता रहा है, इट हेल्प टू मेंटेन इंट्रोड्यूस द प्लांट इन न्यू एरिया वेयर द सीड जर्मिनेशन फेल्स टू प्रोड्यूस द मेच्योर प्लांट. जिस जगह पे सीड गिर के एक प्लांट को नहीं बना पा रही, सीड है बट वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं है, तो उस जगह पे हम अपने कोई एक तरीका का यूज़ करके, वेजिटेटिव मेथड को यूज़ करके उस जगह पे भी प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं.
एंड दूसरी बात होती है कि इट इज़ अ मोर रैपिड इजियर एंड द चीपर मैथड. दिस इज अ थर्ड पॉइंट कि आसान होता है, चीपर होता है, बहुत जल्दी होने वाला प्रोसेस होता है एंड साथ ही साथ हमें एक गुड क्वालिटी मिल सकती है क्योंकि हम वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन करा रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट अच्छा है अगर हम उसको किसी सॉइल में यूज़ करके उसी से ग्रो कराएंगे तो. बट ऑब्वियसली बात है कि जो भी न्यू प्लांट ग्रो करेगा वो अच्छा ही होगा. सो दिस इज ऑल ओवर अ गुड मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ plants. How is the process of the pollination different from the fertilization? Pollination is the process of transfer of pollen grain from the anther to the stigma. Occurs in the help of certain pollinator, air, water, birds and some insect. Fertilization is the fusion which is occur inside the ovule and lead to the formation of the zygote. Dono mein antar hai. Although dono ek fertilization ka ek dono ek fertilization ka part प्रोसेस है. कैसे? फर्टिलाइजेशन जो है वो एक बॉडी के अंदर हो रही है, पॉलिनेशन फीमेल में हो रही है, लेकिन फीमेल में वो किसी ना किसी एक एजेंट के जरिए की जा रही है. पॉलिनेशन में वो पॉलन उड़ के किसी जाता है, पर्टिकुलर स्टिग्मा पे जाता है, तो वो उड़ के जाए, इंसेक्ट्स के जरिए जाए, पानी के जरिए जाए, वो किसी एजेंट के जरिए जा रहा है. इसमें क्या हो रहा है कि वो मेल गैमीट, अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दोनों का फ्यूजन होता है एंड दोनों का जो फ्यूजन हो रहा है दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है इनसाइड द ओव्यूल. मतलब अगर हम प्लांट के केस की बात करें तो वो ओव्यूल के अंदर हो रहा होता है, वहाँ पे फ्यूजन हो रहा होता है एंड विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट. यहाँ पे हैप्लॉइड से डाइप्लॉइड बॉडी बनती है. उसके केस में क्या हो रहा है, केवल वो ट्रांसफर हो रहा है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. What is the role of the seminal vesicle and the prostate gland? The secretion, मेल में glands के बारे में पढ़ा था. Seminal vesicle के जो secretions होते हैं और prostate gland के जो secretion होते हैं, हमने बताया था कि sperm को traveling करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा comfort होते हैं. That is, it lubricate the sperms and provide a fluid medium for easy transport of sperm. Their secretion also provide न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम. साथ ही साथ ये बताया था कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है. क्यों? क्योंकि वो कंटेन क्या करते हैं, फ्रक्टोज को, कैल्शियम को और कुछ एंजाइम्स को कंटेन करते हैं. एक तो स्पर्म निकलेगा, स्पर्म के साथ अगर फ्लूइड होगा तो वो आसानी से ट्रांसपोर्ट कराएगा. दूसरी बात है, वो जो फ्लूइड होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है. सो दिस इज द रोल ऑफ द सेमेनिकल वेसाइकल, सेमेनल वेसाइकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स. What are the changes are seen in girls at the time of the puberty? Puberty एक ऐसा टाइम होता है जिस पे उसमें secondary sexual characteristics का observed होना start होता है. So what are the changes? That is increase in the breast size and the darkening of the skin of the nipple present at the tip of the breast. Appearance of the hair in the genital area. ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी discuss कर चुके हैं. उनको कैसे answer लिखना है, इस तरीके से points में उनको break करके लिखना है. Appearance of the hair in the area of the skin like underarm faces, increase in the size of the uterus and the ovary, starting of the menstruation cycle and more secretion of oil from the skin, जिसके वजह से acne ना start होता है. How does the embryo get nourishment inside the mother's body? This is very important question जो कि बहुत बार boards में, pre-boards में कई बार पूछा जाता है. क्या होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, फर्टिलाइजेशन के बाद जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है. ये इसको पहले उसमें भी काफ़ी बताया गया है, थिक हो जाती है एंड इट्स रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, जिसके बारे में हमने एंडोमेट्रियम के बारे में बताया था. ठीक है, टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. क्यों? क्योंकि जिस जगह पे बेबी रहेगा तो बेबी, अगर उस जगह पे ब्लड नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? And blood is the only source through which they get the nutrient. So the embryo get nourishment from the mother's blood. और वो blood किसका होता है? Ultimately वो mother's का ही blood होता है, तो वो उसी से nourishment अपना लेता है. And जिसके जरिए लेता है वो कौन सा होता है? एक special tissue होता है जिसको हम placenta कहते हैं. और वो कहाँ पर होता है? Uterine की wall में embedded होता है, जिसमें villi होती है. ठीक है, so it is embedded in the uterine wall and it contains a villi on the embryo sides of the tissue. ऑफ द टिश्यू, तो किधर की तरफ होती है? जो एम्ब्रियो के साइड में उसमें विलाई होती है जो उसको सराउंड करती है, मैक्सिमम सरफेस एरिया देती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके.
and the blood spaces on the mother surround side surrounding the villi. This provide a large surface area from the mothers to the embryo. और जो waste उससे generate होता है वो इसी रास्ते से क्या होता है, मतलब इसी placenta के जरिए mothers की body में चला जाता है. This is very important question which are genuinely asked in your exam. If a woman using a copper tea, will it help in protecting her from sexually transmitted disease? वो तो implant करने के लिए basically रोका जाता है ना embryo को. No, because copper tea will not prevent contact body fluid. This it will not protect her from sexually transmitted. मतलब वो उसको body fluids के contact से आने से तो नहीं रोकता, वो तो बस उसके embryo के uterus में implant करने से रोकता है. So, copper tea की वजह से ये कहें कि sexually transmitted disease नहीं हो सकती, it is not true. Asexual reproduction take place through budding in. Budding किसमें होता है? That is taking place in a yeast में लिया जाता है. ठीक है, अमीबा में नहीं होता, प्लास्मोडियम में नहीं होता, लेशमेनिया में नहीं होता. जो बडिंग होती है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन अ ईस्ट. ईस्ट के केस में क्या होता है, ईस्ट फंजाई के केस में हमको बडिंग जो है वो ऑब्जर्व्ड होती है, जहाँ पे उसमें कई ढेर सारी बार बार उसमें ब्रांचेस होती हैं, बडिंग ऑब्जर्व्ड होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बींग? ओवरी होता है, यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब. आसा डिफरेंसेस कहाँ पे होता है? मेल में होता है. द एंथर कंटेन, एंथर क्या कंटेन करता है? एंथर के पास ये एंथर और ये फिलामेंट, उस एंथर के पास सेपल्स नहीं होता क्योंकि सेपल्स तो ग्रीन पार्ट है. ओव्यूल्स नहीं होता जो फीमेल का पार्ट है, कार्पल नहीं होता दिस इज अगेन अ फीमेल पार्ट. क्या होता है उसके अंदर? पॉलन ग्रीन होता है. What are the advantage of the asexual reproduction over a asexual, sexual over a asexual? That is, क्या होगा? What are the advantage of? No, this is not variation. Yes, what are the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction? Advantage of sexual, that सेक्सुअल का सबसे बड़ा एडवांटेज वेरिएशन. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के, लेकिन जो मेन आंसर है दैट इज मेन पॉइंट वो वेरिएशन है. द न्यू फॉर्म इंडिविजुअल हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट, उससे दोनों पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक वो लेगा ना. एंड वेरिएशन आर मोर वायबल इन अ सेक्सुअल मोड देन द ए सेक्सुअल वर्ल्ड. वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा वायबल होता है, उसके काफ़ी इफेक्ट्स होते हैं इन अ सेक्सुअल देन इन ए सेक्सुअल. दिस इज बिकॉज इन अ ए सेक्सुअल डी एन ए हैज़ टू फंक्शन इन साइड द इनहेरिटेड सेलुलर एपरेटस, उसी के अंदर काम करता, वो ट्रांसमिटेड नहीं होता. What are the function of performed by the testes in human being? दोनों काम करता, हमने शायद ये बताया भी था कि उसका dual function होता है. उसको हम एक तो gonad भी कहते हैं और एक sex organ भी कहते हैं. Same वही चीज़ है. क्या होता है? Sperm को produce करता है and it produces a hormones को produce करता है. Sperm क्या होता है? Haploid set. ये भी बताया था कि जो sperm है वो haploid set है, that is half set of chromosome. Hormone produce करता है जिसको हम क्या कहते हैं? Testosterone. और वो changes लेके आता है male में. What are the modes for the reproduction different in unicellular, multicellular organism? Okay, in the unicellular reproduction का बाद division of the entire पूरी cell को division करके, budding करके, fission करके, ये सारे methods होते हैं. जबकि multicellular में particular उनके पास organs होते हैं करने के लिए, that is reproductive organ का presence होता है. So they can be reproduced by complex reproductive method. कई तरीके के method के जरिए वो करते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और हम अपनी बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन, जिसके भी अपने अपने ऑर्गेन होते हैं. लेकिन एसेक्सुअल की बात करें तो उसके पूरी बॉडी में अमीबा में पूरी दोनों बॉडी डिवाइड कर, एक बॉडी दो में डिवाइड कर गई. बडिंग में पूरी बॉडी उसकी बड्स निकले, बड्स को निकाल के वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया. लेकिन अगर मल्टी की बात करें तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उसके पास प्रॉपर ऑर्गेन्स होते हैं जिस ऑर्गेन के जरिए वो एक न्यू इंडिविजुअल को क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है. हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज? कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? वेरिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन. कि क्या करेगा? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. क्या करता है?
एक तो वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, वो सेम स्पीशीज, अगर ह्यूमन है तो वो ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करेगा ना, तो सेम स्पीशीज के पॉपुलेशन की वो ग्रो करता है. बाय एग्जिस्टिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज, इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी बाय गिविंग द बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल. स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, अगर ये प्रोसेस ही नहीं होता, जितने लोग हैं वो उतने ही होते, उसमें से कम हो जाते लेकिन वो बढ़ते नहीं. तो अल्टीमेटली किसी भी चीज़ अगर कम हो रही है तो उसको कंपनसेट करने के लिए बढ़ाना भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये कहीं ना कहीं वो उसकी स्टेबिलिटी को मेनटेन कर रहा होता है. ठीक है, मस्ट बी विद द रेट ऑफ द डेथ टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज. एंड नो डाउट कि वेरिएशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से इवोल्यूशन भी ऑब्जर्व होता है. वॉट वुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग अ कंट्रासेप्टिव मैथड, क्या रीजन होते हैं, क्यों यूज किया जाता है इनको, टू प्रिवेंट द अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन राइज और बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए, एंड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. दीज आर द बेसिक थ्री पॉइंट, कि हर बार जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे ये थ्री पॉइंट उसमें ऐड होने ही होने हैं, कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता अगर हम उन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसकी पॉपुलेशन की साइज कंट्रोल रहती है. सो दीज ऑल आर द आंसर्स ऑफ द एनसीईआरटी फ्रॉम द हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस.